बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, बेटा हम आपके लास्ट लेक्चर चैप्टर फोर का जो है वो डिस्कस कर रहे हैं पेज 64 पे। किताब पे तो टाइटल है प्रोक्रियाटिक एंड यूक्रियाटिक सेल, लेकिन मैंने टाइटल बना दिया है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोक्रियाटिक एंड यूक्रियाटिक सेल्स। बेटा ये मैंने आपके सामने जो है 11 के करीब डिफरेंसेस जो है वो लिख दिए हैं, ठीक हो गया ना जी। तो अब अगर आपको जनरली आ जाए कि जी राइट ए नोट ऑन प्रोक्रियाटिक सेल, तो फिर आप जो है वो इस साइड के जो है जो इस साइड के जो है ना प्रोक्रियाटिक सेल के ये डिफरेंसेस जो है वो 11 पॉइंट लिख दे, ये 11 पॉइंट जो है वो लिख दे, तो तब भी मसला हल हो जाएगा। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन कंपैरिजन भी हो जाएगा, डिफरेंसेस भी। सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि बोथ आर सेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा सबसे पहले सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डेफिनेशन द सेल इन विच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद हो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ हो, उस सेल को हम क्या कहेंगे? यूक्रियोटिक सेल, ठीक हो गया ना जी। द सेल इन विच नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड नॉट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी मौजूद ही नहीं, वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक हो गया ना जी। तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड नॉट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, मौजूद नहीं होता, ठीक है ना जी। नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और वाजिया न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता, उसको हम क्या कह देते हैं? प्रोक्रियाटिक सेल कह देते हैं, ठीक हो गया जी। अब वर्ड मीनिंग, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी वो सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। और वर्ड मीनिंग प्रो का मतलब बिफोर, कैरी ऑन का मतलब न्यूक्लियस, सेल बिफोर न्यूक्लियस, वो सेल जो न्यूक्लियस से पहले पाए जाते थे, यानी ट्रू न्यूक्लियस इज एबसेंट, ठीक हो गया। नंबर तीन पे बेटा जी ये सारे पॉइंट नंबर तीन चार पांच जो है ना ये पहले पैराग्राफ में से है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। तो जो यूक्रियाटिक सेल्स होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स और डीएनए या न्यूक्लियर मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल इज इनक्लोज्ड इन डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म से अलहदा होता है। जबकि प्रोक्रियाटिक सेल्स के अंदर डीएनए इज विदाउट कवरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग है नहीं, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, एंड इज डायरेक्टली सबमर्ज और डूबा हुआ होता है इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में। अच्छा जी, नंबर चार पड़ा ये ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूक्रियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूक्रियोट्स, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें यूक्रियोटिक सेल्स पाए जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? यूक्रियोट्स। और जबकि वो ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोक्रियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। इसके एग्जांपल्स एनिमल सेल, तो फिर एनिमल्स क्या हो गए? यूक्रियोट्स। एनिमल सेल यूक्रियोटिक सेल्स हैं, तो इसलिए एनिमल्स क्या हो गए? यूक्रियोट्स। प्लांट सेल्स यूक्रियोटिक सेल्स हैं, तो प्लांट्स क्या हो गए? यूक्रियोट्स, ठीक है जी। फंगल सेल्स यूक्रियोटिक सेल्स हैं, तो फंजाई क्या हो गए? यूक्रियोट्स, ठीक है ना जी। प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है ना जी, वो यूक्रियोटिक सेल्स हैं, तो इसलिए वो भी क्या हो गए? यूक्रियोट्स, ठीक हो गए जी। और इधर दूसरी तरफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग प्रोक्रियोटिक सेल्स आर प्रोक्रियोट्स, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो है जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहते हैं, इन्हीं को सिर्फ बेटा जी क्या कहते हैं? प्रोक्रियोट्स एंड प्रोक्रियोटिक सेल्स। ऑर्गेनेल्स बेटा जी, मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स बोथ आर प्रेजेंट इन देम, इनमें मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन देम, यानी यूक्रियोट सेल्स में दोनों ऑर्गेनेल्स होते हैं और तादाद में भी ज्यादा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी अपैरेटस, ये क्या है? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं। जबकि राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, ये क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ओनली नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट एंड फ्यू इन नंबर्स, एग्जांपल गिवन राइबोसोम्स और उसके अलावा जो है वो साइटोस्केलेटन होता है। बट राइबोसोम्स का भी डिफरेंस है, अगर राइबोसोम दोनों में पाया जाता है सिमिलरिटी होगी ना, या होगी बोथ सेल्स कंटेन राइबोसोम्स, बोथ सेल्स कंटेन साइटोप्लाज्म, बोथ सेल्स कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक हो गया ना जी। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, साइटोस्केलेटन है, लेकिन राइबोसोम्स का फर्क है।
जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, लेफ्ट साइड कौन सी है यूकैरियोटिक सेल्स की, लेफ्ट साइड कौन सी है यूकैरियोटिक सेल्स की, लार्ज साइज राइबोसोम्स ऑफ एटीएस टाइप आर प्रेजेंट इन देम। यूकैरियोटिक सेल्स में बड़े साइज के राइबोसोम्स होते हैं और उनको एटीएस टाइप एज फॉर सेडिमेंटेशन रेट, ठीक हो गया ना जी। स्मॉल साइज राइबोसोम एज फॉर सॉल्ट बर्ग यूनिट जो कि सेडिमेंटेशन रेट को रिप्रेजेंट करता है, जब आप सेंट्रीफ्यूज में घुमाते हैं तो एक सेकंड में ऑर्गेनेल्स कितनी तेजी से जो है वो जल्दी जो है वो कितने टाइम कितने जल्दी जो है वो नीचे किस स्पीड से जो है ना वो नीचे सेटल डाउन कर जाता है, सेपरेट हो जाता है। स्मॉल साइज राइबोसोम्स ऑफ 70S टाइप आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। जबकि नंबर 8 में बड़े सेल डिवीजन, यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस जबकि प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। 9 एवोल्यूशनरी स्टेटस, यूकैरियोटिक सेल्स आर दीज आर ऑफ एडवांस टाइप ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स एडवांस टाइप के सेल्स हैं जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं दीज आर प्रीमेटेटाइज, यानी बाय एवोल्यूशन पहले प्रोकैरियोट्स पैदा हुए, फिर प्रोकैरियोट्स से क्या पैदा हुए यूकैरियोट्स पैदा हुए। फिर बेटा जी 10वें पे सेल वॉल कंपोजिशन, देखिए एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं आती, ऐसे भी बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल नहीं होती, मसलन एग्जांपल गिवन माइकोप्लाज्मा, ठीक हो गया ना जी। तो लेकिन वो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें सेल वॉल होती है उनकी सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन का फर्क है। यूकैरियोटिक सेल्स हैविंग सेल वॉल, प्लांट सेल्स फंगल सेल्स मेजरली मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, उनकी सेल वॉल का जो मेजर केमिकल है वो पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना जी, जैसे सेलुलोज इन प्लांट सेल्स एंड काइटिन इन फंगल सेल। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स हैविंग सेल वॉल, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल पाई जाती है मेजरली मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। बड़ा याद करें चैप्टर 2 में हमने पेप्टाइडोग्लाइकन पढ़े थे, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन पॉलीसेकेराइड चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ प्रोटीन्स ये जब आपस में केमिकली कंबाइन कर जाते हैं तो पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेल वॉल, उस सेल वॉल में मॉलिक्यूलों की तादाद कितनी है, ट्रिलियंस पॉलीसेकेराइड्स मेक सेल वॉल इन देम। यूकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल बहुत सारे जो है वो पॉलीसेकेराइड्स के मॉलिक्यूलों से बनी हुई होती है। लेकिन जो है आपकी किताब में लिखा हुआ है आखिरी लाइन को जरा गौर से पढ़े, ओनली सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन आर म्यूरिन, पेप्टाइडोग्लाइकन का दूसरा नाम म्यूरिन है, सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल जो है उस सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन को क्या कहते हैं सेकुलस, कार्ड सेकुलस मेक्स सेल वॉल इन देम, वो इनमें सेल वॉल बनाता है। तो बेटा जी अब मेरा आपसे एक सवाल है कि बैक्टीरिया और जो है वो प्लांट सेल्स जो हैं इनकी सेल वॉल में केमिकल सिमिलैरिटी क्या है, क्या है, दोनों में पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, बस फर्क यह है कि इनमें अकेले पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, इनमें पॉलीसेकेराइड्स कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों में पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं। तो बेटा जी ये है आज का आपका लेक्चर, अल्लाह ताला हम सबका आमीन असर हो, आमीन, शुक्रिया।